कहते हैं कि प्रतिभा कभी छुपाए नहीं छुपती और मन में कुछ करने की लगन हो तो कोई भी व्यवधान सामने नहीं आ सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बेगूसराय जिला के पुलिस बल में कार्यरत बबली कुमारी ने। आपको बता दें कि जिसने अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए BBSC की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसने DSP के लिए क्वालिफाई भी किया। अगले कुछ दिनों में वह ट्रेनिंग के लिए राजगीर जाने वाली है। इसको लेकर बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में सिपाही बबली कुमारी को सम्मानित किया और आने वाले दिनों के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि मूल रूप से बबली कुमारी गया जिले की रहने वाली है और वर्तमान में बेगूसराय पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर कार्यरत है, लेकिन अरमानों को पूरा करने के लिए बबली कुमारी ने एक तरफा जहां अपनी ड्यूटी को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दूध मुही बच्चे के लिए मां का फर्ज भी अदा करते हुए BPSC की तैयारी भी की। लेकिन खास बात तो यह है कि अपने पति और पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए बबली कुमारी ने जहां एक तरफ अपनी ड्यूटी को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाया तो वहीं दूसरी ओर अपने छोटे से बच्चे के लिए मां का फर्ज भी अदा करते हुए BPSC की तैयारी भी की। SP योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग के सभी जवानों को बबली कुमारी से सीख लेनी चाहिए और उन्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए जिससे वह अपने सपनों को और भी ज्यादा साकार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। बेगूसराय जिला बल की एक सिपाही बबली कुमारी जो कि पुलिस लाइन में कोर्ट में मैगजीन ड्यूटी पे तत्परता से कार्यरत थी, उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम जिससे कि DSP के रूप में चयनित होते हैं उस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है और उनका चयन DSP के रूप में हुआ है। बहुत ही जल्दी वो यहाँ से विरमित होकर राजगीर में जो ट्रेनिंग अकेडमी है वहाँ पर योगदान करने जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज मैंने अपने ऑफिस में सिपाही बबली कुमारी को बुलाया था। उनके साथ में उनके 7 महीने का बच्चा भी है और साथ में उनके पति रोहित कुमार भी आए हुए हैं। बबली कुमारी मूल रूप से गया जिले की रहने वाली हैं। ग्रेजुएशन में उन्होंने BA ऑनर्स की पढ़ाई की है। देखिए, सबसे यहाँ पे बड़ी बात यह है कि पुलिस की नौकरी में चाहे वो किसी भी जगह पर नौकरी कर रहे हों 24 घंटे की नौकरी होती है, उसके बावजूद भी हमारी होनहार सिपाही बबली कुमारी ने पढ़ाई लिखाई के लिए समय निकाला और अपने सपने को साकार किया और अपने परिवार के सपने को साकार किया। इसमें उनके पिताजी और उनके हस्बैंड का भी बहुत बड़ा योगदान है और मैं अपने तरफ से बेगूसराय पुलिस परिवार की तरफ से सिपाही बबली कुमारी को, उनके पिता को, माता को, भाई बहनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बबली कुमारी की इस सफलता से बेगूसराय जिले के एक एक सिपाही को प्रेरणा मिली है और हम सभी उनके साथ हैं। मैं उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देखिए, इस क्षण को मैं अभी एक भावुक नज़र से भी देखता हूं कि हमारी एक होनहार सिपाही अब हमारे जिला बल से फाइनली जा रही हैं और वो जो ट्रेनिंग एकेडमी है राजगीर में जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे उत्कृष्ट एकेडमी में माना जिसको गया है वहाँ योगदान करने जा रही है। दूसरी बात है कि हम लोग के लिए गर्व की भी बात है कि हमारे यहाँ की एक सिपाही पढ़े लिख के एग्जाम देके DSP के रूप में चयनित हुई है। और तीसरी बात है कि ये हमारे जो सिपाही हैं उनके बीच में जो टैलेंट है ये उसको भी दिखाता है कि अगर उन लोग को मौका मिले, वो लोग भी अपने तरफ से थोड़ा परस्यू करें, तो वो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से सभी सिपाहियों को और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप लोग को जब भी टाइम मिले काम के अलावा पढ़ने पे नए नए स्किल्स